शहर शहर में रोज हिंसक हुआ आक्रोश, दिल्ली तक पहुंचा विरोध। मोदी सरकार ने की थी मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा, बुधवार को बिहार से शुरू हुआ था विरोध। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। इस बीच एयरफोर्स चीफ ने बयान किया जारी, भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। अग्निपथ को लेकर बिहार में हालात चिंताजनक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भीड़ का हमला, एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। अग्निपथ योजना पर बीजेपी और जेडीयू में तकरार, जेडीयू ने स्कीम पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई तो वहीं आरजेडी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा स्कीम वापस लें। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आरोप, कहा पहले किसानों को अब जवानों को भड़का रहा है विपक्ष, बीजेपी कर रही है अग्निपथ स्कीम का बचाव। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा हुई गायब, तलाश में जुटी मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंची। महाराष्ट्र में कई शहरों में नुपुर के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी आज नहीं करेगी पूछताछ, अब नया समन होगा जारी, 3 दिन तक ईडी राहुल से कर चुकी है पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर, 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र में 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित, बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी, परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए थे शामिल, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। देश में फिर डरा रहा है कोरोना, कल के मुकाबले आज फिर नए मामलों में उछाल, कल के मुकाबले आज 12,847 नए केस आए सामने।